दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे 10वें लेसन में, जिसका शीर्षक है डूइंग द अनथिंकेबल या नामुमकिन कार्य करना। आइए हम अपनी चर्चा में चलते हैं। आप हमारी चर्चा में हमारे साथ शामिल हुई है। चैनल के हिंदी सेवन स्कूल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रभु ने एक असंभव या नामुमकिन काम हम सबके लिए किया, और वो क्या था ये आज हम देखेंगे। कहानी बताई जाती है लाफुक नाम के एक चाइनीज क्रिश्चियन की, जिसके कुछ रिश्तेदार, कुछ दोस्त साउथ अमेरिका में माइंस के अंदर काम करते थे और वो बंधुआ मजदूर थे। हम देखते हैं कि लाफुक चाहता था कि उनको बचाया जाए, और प्रभु की उम्मीद, प्रभु की का गॉस्पल उन तक पहुंच सके। उसने चाहा कि किसी तरीके से उनको रीच आउट करे, लेकिन वो नहीं कर पाया, और अल्टीमेटली उनको पहुंचने के लिए, उनके पास पहुंचने के लिए उसको अपने आप को बेचना पड़ा बंधुआ मजदूर के तौर पे। और हम देखते हैं लाफुक वहां पे 5 साल रहा, और 5 साल में 200 जनों को प्रभु यीशु मसीह का संदेश दे सका। आइए इसी कहानी को और इसी चर्चा को हम आज ही क्लास में जारी रखते हैं। तो क्लास, हमारे लिए आज का एक वचन है यशाया 53 अध्याय और उसकी 5वीं आयत पढ़ी। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हाँ, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, हाँ, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हाँ, हमारे लिए वो घायल किया गया, हमारे लिए उसको कोड़े खाने पड़े, हमारे लिए उसका क्या हुआ, कुचला गया, ताकि कौन चंगे हो जाए, हम चंगे हो जाए। तो हम लोग बीमार थे, ये चंगाई कौन सी है? स्पिरिचुअल चंगाई है, आध्यात्मिक चंगाई, ठीक है कि नहीं, जिसकी बात यहाँ पर यशाया कर रहा है, और मसीह के कितने साल पहले कर रहा है, 700 साल पहले कर रहा है, कि हमारी वजह से वो सताया गया, हमारी वजह से वो मारा गया, हमारी तरह वजह से उसके कोड़े पड़े, उसको परेशानियां उठानी पड़ी, और ये सब किसकी वजह से हुआ, हमारी वजह से हुआ। अब देखिए, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर आप पीछे से लेते हैं, जब यशाया को प्रभु ने ये बोला कि तू मेरे लोगों को क्या कर, यू कंफर्ट माय पीपल, शांति दे मेरे लोगों को, तू शांति दे, और वो शांति क्यों दे, क्योंकि आगे चलकर यशाया को ये मैसेज मिला कि शांति का राजदूत एक आएगा, इस दुनिया में जन्म लेगा और तमाम दुनिया को इस परेशानी से मुक्ति दिलाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अपने लेसन में और देखते हैं यशाया 50 और उसकी 6 और 7 आए। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोच नोचने वालों की ओर अपने गाल किए, हाँ, अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह न छिपाया, हाँ, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, इस हाँ, कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक के समान कड़ा
किया क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना ना पड़ेगा। हाँ देखो, मेरे मैंने अपनी पीठ को कोड़ों की तरफ मोड़ लिया, मैंने अपने गाल को सामने कर दिया कि लोगों ने मेरे ऊपर थूका। और वो कह रहा है मेरे दाढ़ी के बालों को लोगों ने खींचा। अब आप कैन यू इमेजिन कि किस तरीके से परमेश्वर, जिसने इंसान को बनाया, जो क्रिएटर है, जो खुद ईश्वर है और इंसान को अपनी शक्ल के ऊपर बना रहा है, वही इंसान उसको क्या मार रहा है? कोड़े मार रहा है। वही इंसान उसके मुंह के ऊपर थूक रहा है। वही इंसान उसकी दाढ़ी के बाल नोच रहा है। कितनी परेशानी से, मुसीबत से प्रभु यीशु मसीह आप गुजरे होंगे। क्या सोचते हैं आप, क्या ये जरूरी था प्रभु यीशु मसीह को इन परेशानियों में से, इस जिल्लत में से गुजरना, क्या ये जरूरी था? ये उसका वादा था। क्या वादा था? कि वो हमारी हमेशा हमें शांति देगा। शांति देने से और ये जिल्लत सहने में क्या फर्क है, क्या अंतर है? और क्या, हाउ कैन यू रिलेट देम? हमें पाप से मुक्ति मिलने के बाद ही हम शांति पा सकते हैं, और हमें पाप से मुक्त करने के लिए उसने ये सब किया। नहीं, आप सही कह रहे हैं अशोक, उन्होंने साफ पाप से मुक्त करने के लिए, लेकिन मेरा जो सवाल है कि ये जिल्लत सहनी क्या जरूरी थी? क्योंकि हमारे पाप बहुत ज्यादा थे भाई। वो आए, वो हमारे लिए मारे जाते, समझ में आता है, ठीक है कि नहीं? मौत सहते, वो समझ में आता है। पर ये जो जिल्लत के मुंह के ऊपर थूकना और उनको घूंसे मारना और बता कि तेरे को किसने मारा और उनके पसली में भाला भोंकना और दाढ़ी के बाल नोचना, तमाम इन चीजों की कहां जरूरत थी? वो हमारे लिए एक एग्जांपल सेट करना चाहते थे कि तुम्हें स्वर्ग में जाने के लिए कैसी ह्यूमिलिटी और कैसा हम्बल बनना चाहिए, इसलिए। और तुम्हारे साथ भी यही होगा क्या? ये बात थी, इतने हम्बल बनो कि जैसे मैं खुदा हो कि इतना ह्यूमिलिटी सहली। तो ये बताना मांगते थे कि वो कितना प्यार करते हैं, कि वो कितना प्यार करते हैं। अच्छा, मैं आपको एक आयत देता हूं बाइबल की, हम इस आयत को पढ़ते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे, ठीक है? तो दर्शकों, हम एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं, आप हमारे साथ बने रहें। आपका स्वागत है दर्शकों। तो आइए क्लास में चलते हैं और हमारी चर्चा में, और चर्चा का विषय था क्या मसीह को जरूरी था कि वो तमाम ताड़ना, वो कोड़े, वो लोगों का थूकना, लोगों का मारना, वो कांटों का ताज पहनना, वो तमाम परेशानियों में से, वो जो जिल्लत में से वो गुजरा, क्या जरूरी था वो सहता? ये मेरा सवाल आपसे। बगैर उसके भी तो मर सकता था, पर जिन लोगों के लिए मर रहा था उन्हीं लोगों ने उसको परेशान। नहीं नहीं, मेरे सवाल को समझ नहीं, क्या ये तमाम चीजें जरूरी थी? हाँ। क्यों? जो पाप हमने करे थे, जो चीजें हमको सहनी थी, वो हमारे लिए सही प्रभु ने, शायद उसका जो जो हमें सहनी चाहिए थी वो किसने सही? प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि पाप का फल क्या है? पाप का फल मौत ही नहीं, पाप का आपको बीमारी है, तो वो सारी सफरिंग्स, एक नहीं दुनिया में जितनी भी सफरिंग है, एक्सीडेंट्स है वो पाप की वजह से है, बीमारियां हैं वो पाप की वजह से, झूठ है पाप की वजह से है, मर्डर्स है वो पाप की वजह से है, चोरी है, डकैती है वो पाप की वजह से, क्या चीज है जो पाप की वजह से नहीं है? सारी सफरिंग पाप की वजह से। अब मैं चाहूंगा एक आयत आप पढ़िए, 53 बाब
और उसकी पांचवी आय। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। देखिए गौर फरमाइएगा इसके ऊपर जब ये पढ़ी जा रही है, अशोक प्लीज वापस से रिपीट करें। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। हाँ, वह हमारे अधर्म के कारण, हमारे अपराधों के कारण वो घायल कर रहा गया। और आगे, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हाँ, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, मतलब अगर कोड़े खाए उसने तो हमारे को शांति मिल सके। ठीक है, अभी एक सवाल और करूंगा मैं आपसे, आप गौर से गौर देखिएगा। हाँ, कि उसके कोड़े खाने से हम सब लोग चंगे हो जाए, ताकि उसके कोड़े खाने से हम लोग सब चंगे हो जाएं। अब यहाँ थोड़ा सा ट्रांसलेशन का फर्क है। मेरी अंग्रेजी बाइबल ये कहती है, द पनिशमेंट दैट ब्रॉट अस पीस वॉज अपॉन हिम, बाय हिज वंड्स वी आर हील्ड। इट इज इन प्रेजेंट टेंस, नॉट वी वर हील्ड और वी शैल बी हील्ड। इट इज इन प्रेजेंट टेंस। हम उसके कोड़े खाने से हमें क्या मिलती है? चंगाई मिलती है, प्रेजेंट टेंस में। तो अगर मेरे से कहा जाए इसको ट्रांसलेट करने को हिंदी के अंदर, मैं ये कहूंगा उसके कारण, उसके कूड़े खाने से मुझे चंगाई मिलती है। ठीक है, करेंगे। अब सवाल उठता है कि उसके कूड़े खाने से मुझे चंगाई क्यों मिलती है, या उसके परेशान होने से, वो जिल्लत सहने से मुझे कैसे बेनिफिट हो सकता है एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पापी इंसान। उसने हमारी जो पनिशमेंट थी, जो हमको नीचे थी, हाँ, वो उसने ले ली, तो हमको इसलिए बेनिफिट है। नहीं, ये तो उसने ले ली, हमने मान लिया, मौत भी उसने सह ली, मान लिया। आगे कुछ सोच सकते हैं इसके बारे में? हम इटर्नल डेथ हमें नहीं झेलनी पड़ेगी। हाँ, तो मेरा सवाल है कि तमाम जिल्लत की मौत जो उसने सही, मैं जिल्लत की मौत कहता हूं भाई, लोगों ने उसको चढ़ाया तो क्रूस पे ही क्यों चढ़ाया? और भी कोई तरीका होगा मारने का? क्योंकि उस टाइम का तीर मार के उसको मार देते, क्योंकि तलवार से मार देते, क्योंकि क्रूस उस टाइम का मोस्ट ह्यूमिलेटिंग डेथ होती थी, ह्यूमिलेटिंग होती थी। तो वही मैं कह रहा हूं कि इतनी जिल्लत की मौत, या इतनी जिल्लत जो उन्होंने सही, बार बार मैं वर्ड जिल्लत काम में ले रहा हूं, जिसको आप हिंदी में और क्या कह सकते हैं, शर्मिंदगी, बहुत शर्मिंदा की शर्मिंदगी जो उसने, इससे ज्यादा शर्मिंदगी क्या होगी? कोई आप नहीं टॉलरेट कर सकते, मैं टॉलरेट नहीं कर सकता कोई मेरे मुंह पे थूक दे, क्योंकि या कोई मेरे बालों को खींचे, क्योंकि उसने यही नामुमकिन असंभव काम करा, जैसे हमें हमारा लेसन बताता है। क्योंकि उसने, हम वापस इसको पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे अशोक इसी आयत को, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। हाँ हाँ, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारे अधर्म के कामों के कारण वो कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसको ताड़ना भी हमारी शांति के लिए पड़ी, और उसके कोड़े खाने से हम सब लोग चंगे हो जाए। चंगे होते हैं, उसके कोड़े खाने से हम सब चंगे होते हैं। देखिए, इसीलिए प्रभु ने, परमपिता परमेश्वर ने उसको क्या बनाया? जज आपका और मेरा। आज मैं कोई परेशानी से गुजर रहा हूं, मुझे कैंसर है, तो उसको बहुत अच्छा समझ कौन सकेगा? प्रभु यीशु मसीह खुद। अगर मेरी पिटाई हुई है तो उसको बहुत अच्छा कौन समझ सकेगा? प्रभु यीशु मसीह खुद। अगर मैं कोई ऐसी टेम्पटेशन में से गुजर रहा हूं जहां मैं चोरी की आजमाइश है मेरे सामने, या और किसी चीज की पाप करने की आजमाइश है मेरे सामने, उसको अच्छा कौन समझ सकेगा? क्यों? क्योंकि वो सब भी चीजों से, वो उसमें से गुजर चुका है। इसलिए पिता परमेश्वर ने, खुदा बाप ने उसको आपका मेरा
पूरी दुनिया का क्या बनाया? जज बनाया. बिकॉज ही वेंट थ्रू ऑल दोज ट्रिब्यूलेशंस, ऑल दो पेरल्स, ऑल दोज ट्रबल्स, वो उनमें से निकल के, खुद निकल के उसमें से गया. तो नेचुरली ही वुड बी द बेस्ट जज फॉर अस. अब वो जान सकता है कि ये इस परेशानी में से गुजर रहा है तो क्या चीज मुझको, कितनी दया की मुझको जरूरत है, कहां तक मैंने उसको सहन किया है, या कहां तक मैं सहन कर सकता, मैं कर सकता था. ऑल दोज थिंग्स ही नोज परफेक्टली वेल, सो ही इज द राइट जज. अब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस. दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहिएगा, थोड़ी सी देर में हम वापस आएंगे. आप सबका एक बार फिर से स्वागत है. दर्शकों, आइए हमारी चर्चा में आप शरीक होइए. तो हमारा सवाल था, अब हम आगे बढ़ेंगे अपने अपनी चर्चा में, अपने डिस्कशन में. और मैं चाहूंगा अगर 52 बाब की और 14वीं आयत पढ़ी जाए, 52 अध्याय, यशाया 52 अध्याय और 14वीं आयत. जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, हाँ, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा ना जान पड़ता था. देखिए, हम प्रभु यीशु मसीह की सफरिंग के लिए, उसकी जिल्लत की मौत जो उसने सही, उस पर डिस्कस कर रहे हैं. और यहाँ पे लिखा है, ये प्रोफेसी करी गई है, ये भविष्यवाणी पढ़ रहे हैं, ये जो हो चुका वो नहीं बयान हो रहा है. यशाया एक भविष्यवक्ता, उसका उसका फिगर, उसका चेहरा इतना इतना बिगड़ गया था कि वो मनुष्य की तरह जान ही नहीं पड़ रहा था. वापस से पढ़ के देख लीजिए आप. क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा ना जान पड़ता था, और हाँ, उसकी सुंदरता भी आदमियों से सी ना रह गई थी. हाँ, और उसकी सुंदरता मतलब वो आदमी सा लग ही नहीं रहा था, उसका चेहरा इतना बिगाड़ दिया था लोगों ने. अब समझ सकते हैं कि प्रभु ने कितनी जिल्लत सही, कितनी परेशानी सही, कितनी शर्मिंदगी सही, और कितने उसने कोड़े सही होंगे, कितनी मार सही होगी हम सबको, ताकि वो हम सब का एक अच्छा न्याय करने वाला जज बन सके, हम सब के लिए एक अच्छा न्याय करने वाला. इससे आगे पढ़िए, देखिए ऐसा सब क्यों हुआ. छठी आयत देखेंगे, 53 बाब की, 53 बाब की छठी आयत. हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हाँ, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, हाँ, और यहोवा ने हम सबो के अधर्म का बोझ उसी पर ला दिया. हम सब के अधर्म का बोझ, पूरी दुनिया के अधर्म का बोझ किसके ऊपर लादा गया? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर. मेरे पापों का बोझ, आपके पापों का बोझ, सारी दुनिया के पापों का बोझ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया गया जब वो क्रूस की तरफ बढ़ रहे थे. आप पढ़िए, देखें 52 बाब की 13वीं आयत. देखो, मेरा दास बुद्धि से कम करेगा, हाँ, ऊंचा महान और अति महान हो जाएगा. हाँ, वो बुद्धि से काम करेगा और वो ऊंचा और महान हो जाएगा, और अति महान हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा. वो बुद्धि से काम लेगा, उसने अपना मुंह नहीं खोला. जब उसको मारा जा रहा था, कूटा जा रहा था, कुचला जा रहा था, यहां पे वर्ड कुचला आया है, वो कुचला जा रहा था, उस समय उसने अपना मुंह नहीं खोला. वो इंसान था, पूरा इंसान था, ऐसा नहीं था वो कोई टार्जन नहीं था, वो कोई इस तरीके का इंसान नहीं था कि मेरे को मार लो कितना मार सकते हो, मेरे चोट नहीं लगेगी. नहीं, उसने तमाम वो चोटें, वो दर्द सहे, वो जिल्लत सही, ताकि आप और मैं बचाए जा सके.
हम जल्दी से एक आध आयत और करेंगे क्योंकि हमारा समय खत्म हो रहा है। 53 बाप की छठी आयत। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हाँ। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। हाँ। और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हम सबों के अधर्म का बोझ यहोवा ने किसके ऊपर लाद दिया? परमेश्वर पे। हम जो आज का टॉपिक है हमारा, ही रीच द अनरीचेबल। हम लोग अनरीचेबल है, हम लोग रादर अनरीचेबल थे। पाप ने हमें परमेश्वर से दूर कर दिया था। पहला सवाल जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने आदम से कहा था, वो क्या सवाल किया था? हे आदम तू कहाँ है? हे आदम तू कहाँ है? वो कहाँ था आदम? छुप रहा था। तो पाप ने आदम को या इंसान को, मनुष्य को परमेश्वर से क्या कर दिया? अलग कर दिया। सबसे बड़ा काम उसने ये किया पाप ने, कि उसे इंसान को परमेश्वर से अलग कर दिया। प्रभु यीशु मसीह आए ताकि इंसान को वापस परमेश्वर से मिला सके, उसके नजदीक ले जा सके, ताकि वो रूबरू, फेस टू फेस वो शिरकत कर सके, फेस टू फेस उसकी फेलोशिप में वो रह सके। तो आइए एक और आयत पढ़ते हैं, रोमियो 5 बाप और उसकी 8वीं आयत। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे मसीह हमारे लिए मरा। तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से धर्मी ठहरता है। मैं व्यवस्था का के काम कितने ही कर लूं फिर भी पापी रहूंगा। व्यवस्था परमेश्वर का कैरेक्टर है, वो तो कैरेक्टर उसने मुझको दिया था, वो कैरेक्टर मेरे पिता आदम ने खो दिया, वो तो मुझको ओढ़ना ही ओढ़ना है, ठीक है कि नहीं? अब उसके बावजूद क्या होगा? उसके बावजूद मैं धार्मिकता को पा नहीं सकता। व्यवस्था को कितना ही मान लूं मैं धार्मिकता को नहीं पा सकता। इसलिए मुझे धार्मिकता किसकी चाहिए होगी? प्रभु यीशु मसीह की। उसकी धार्मिकता से मैं बचाया जाऊंगा, उसकी धार्मिकता से मैं स्वर्ग के राज में जाऊंगा, उसकी धार्मिकता से मुझे अनंत जीवन मिलेगा। तो अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को जो बिल्कुल पहुंच के बाहर चले गए थे, वी वर अनरीचेबल, बिल्कुल पहुंच के बाहर थे, हमारे बीच में आके हमारे जैसा होके हमारे परेशानियों को, हमारी मौत को सहा, ताकि आप और हम उसकी राज में हमेशा बचाए जाए। ईश्वर आपको आशीष। तो दर्शकों, जैसा कि आज हमने देखा कि वो नामुमकिन कार्य जो यीशु मसीह ने हमारे लिए करा, क्योंकि उसका प्रेम हमारे लिए बहुत उत्तम था। आज के हमारा लेसन बहुत ही सुंदर था और हम उम्मीद करते हैं कि आपने भी हमारे साथ कई नई चीज़ें सीखी होंगी और कई नई चीज़ों का अनुभव किया होगा। आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए, हम आपसे मिलेंगे हमारे 11वें लेसन में।